मेरे खूप छान सुंदर असं केलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांना खूप धन्यवाद, त्यांचे आभार मानावं आम्हाला आमच्या साई मंडळासाठी आले, साई सदा सायकल याच्यासाठी. तो भाई कैसे हो तुम लोग? तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ना आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ. हम लोग वीडियोस बनाते, हम लोग रील्स बनाते, मतलब गॉड के फोटोज़ को हम लोग सजाते, स्केच करते. तो अभी हम लोग को ना, हम लोग की एक रील थी वो वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, जो इसने तेजस ने एडिट बनाई थी और मैंने शूट और एडिट किया था वीडियो, और उसको लिटरली 750,000 व्यूज़ गए. हाँ. 750,000 और 1,00,000 के 1,00,000 से ज़्यादा तो लाइक्स गए. तो हम लोग को बहुत सारी जगह से ऑर्डर्स आने लग गए. ऑर्डर्स मतलब अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, पहले किधर से आई थी? थाने से. थाने से पहले आई थी, देन उसके बाद मुलुंड से आई है, और अभी आई है बोरवली से. तो हम ले जा रहे, मतलब बोरवली में ऑर्डर आई है, तो देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मज़ा आएगा. चलो बोरवली वेस्ट पहुंच गए हम लोग. अभी हम लोग एड्रेस देखने गए. एड्रेस दिखाता हूँ मैं आपको. देखा एड्रेस? हाँ. तो ये एड्रेस है, तो यहाँ पे हमको जाने का है. उसको कॉल किया था ना तूने? हाँ कॉल किया मैं. कॉल किया था, वो हम लोग को अभी बताएगा कैसा कैसा नहीं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे. मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ब्रो लिटरली एक रील, मतलब हम लोग का वायरल रील देख के हम लोग को बुलाया गया है. मतलब बहुत अलग लग रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड टाइप लग रहा है, पर देखते कुछ ने कॉन्फिडेंस से बनाएंगे, जितना हो सके उतना बेस्ट देंगे हम लोग. ओम साई राम. साई राम दादा, साई राम, साई राम. तो हम लोग अभी जस्ट पहुँच गए यहाँ पे, देखते क्या होता है क्या नहीं. तर आम्ही इथे पोचलो आहोत, तर दादाने आम्हाला आतमध्ये कसं करायचं काय ना दाखवलं. काय बोलतो तेजस, कैसे करना का क्या है सब हम लोग को दिखाया उन्होंने. तो अभी हम लोग आपको अंदर जाके दिखाते कैसा है कैसा नहीं, और ये हमारा डिज़ाइनर डिज़ाइन करने वाला है. चलो अंदर आपको दिखाते कैसी पूजा है यहाँ पे. तो ये बाबा की पालकी, ये पालकी, और रात को यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा है. प्रेम है लेकिन ये भी हमको सजाने का है. ये फ्रेम है, ये छोटा सा फ्रेम है, और अभी हमको जो मेन फ्रेम बनाने का है ना, वो आपको दिखाते. ये है बाबा का मेन फ्रेम, बड़ा वाला, ये हमको सजाना है, और इसका वीडियो बनाएंगे, जितना हो सके उतना हम लोग का बेच देंगे. इसको अभी कपड़े से पोछेंगे. करता करी भी तो तेज है, अपन फक्त निमित्त मात्र है वो. हाँ देता है. तो अभी कुछ बाबा ही करा के लेंगे सेवा जो भी है, अभी देखते कैसा है क्या क्या नहीं. हाँ तो अभी हम लोग इधर स्टार्ट करेंगे हम लोग का काम, और आपको दिखाएंगे कैसा कैसा नहीं. तो चलो, तो हमको ये प्रॉपर जेन्युइन लगे हमको ये, और पास में था ना बोरवली, हमारे तो पास में ही है. तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे आके ट्राई करें कैसा है कैसा नहीं, और बाबा का फोटो सजाए. ट्राई करने में क्या जाता है, हम लोग कुछ तो सीखेंगे तो सही, समझ रहे. क्या बोलते तेजस? वही अभी हम लोग, अभी बाबा की सेवा हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हाँ अभी ये सब कलर्स है, ये चंदन है, और क्या क्या दिखा दे, और ये ब्रश है, ये सगळा दादा ध्यान ध्यान. तो ये हा ब्रश, तो ये ब्रश, ये पानी, ये चंदन, सब जो कुछ मटेरियल लगेगा, ये चंदन, अष्टगंधा, और ये कलर्स है. तो इतने सारे हमारे पास मटेरियल है, तो आपको हमको दिखाते कैसे करेंगे पानी का बोलते हैं. तो ये पुराना जो उन्होंने डिज़ाइन किया था ना, वो हम लोग पोछ के ले रहे, ये प्रॉपर पोछ के लेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे बाबा का फोटो, और उसके बाद हम लोग का कमाल दिखाएंगे. क्या बोलते हैं तेजस? हाँ हाँ.
तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप बताऊंगा कि मीन्स में अपने जो साई भक्त है उन्होंने वो लोग ने डीएम किया है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं बाबा के लिए चंदन। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि मैं बेसिकली प्रिपेयर तो काशी अश्वगंधा ही यूज़ करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास एक केसर अश्वगंधा है बट वो ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो मुझे प्रॉपर सूट लगता नहीं है, जो कि मुझे इस पे फील आता है। देखोगे ना अच्छा लगता है, फ्रेग्रेंस जो आता है ना वो मनमोहक कर देता है, जो फ्रेग्रेंस भी आता है उसका। और वो ना सूट हो जाता है। अश्वगंधा अपन यूज करने वाले है, भस्म एक यूज करते हैं अपन। अच्छा। देन अपने पास ऑरेंज कलर है, कुमकुम है। अच्छा। देन उसके बाद अपना काला काला कलर भी है। देन ब्रॉन्ज टाइप है अपने यहाँ पे, जो देखेंगे बाबा को आखिर में देखेंगे अगर सूट होता तो करेंगे लगा देंगे। हाँ। तो कुछ तो मेरे हिसाब से फेटा लाल कलर का लेते हैं। हाँ, लाल कलर का भी फेटा अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग ने लाल कलर का बहुत ट्राई किए और मतलब अभी हम लोग अच्छे प्लेस पे आए तो मैं सोच रहा हूँ कि लाल ही करेंगे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है हमको रेड कलर का फेटा करने का। तो हम रेड कलर का फेटा करेंगे और हार दिखते कौन सा करेंगे। अभी स्टार्ट करते, हमको रील भी बनाने का है क्योंकि वो जो हम लोग की लास्ट वीडियो वायरल हुई थी तो हमको वीडियो हम लोग बनाते जहाँ पे जाते वहाँ पे। करना रुको तो आधा काम हो चुका है हमारा। कितना घंटा हुआ? डेढ़ घंटा हो गया रेगा ना भाई, ज्यादा टाइम चालू किए थे, दो घंटा हो गया। दो घंटे में डेढ़ घंटे में इतना वर्क हुआ है हमारा, काम चल रहा है। देखेंगे अभी लास्ट में कैसे रिजल्ट आता है। जो एक ग्लास है ना वो मैट ग्लास है तो इस पे ना कलर सेट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। कैसा है कि हम लोग का जो ग्लास है हम लोग के यहाँ पे हम लोग के घर का वो अलग है। चल रहा है मतलब भाई कर रहा है और मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग भी बना रहा हूँ और उसका भी वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा काम बाकी है जरा सा। आपको लगता रहेगा एकदम इजी से बनता है भाई, पर इजी से नहीं बनता, इसको बहुत टाइम लगता है। कम से कम 3-4 घंटे तो लग जाते हैं। 2-3 घंटे हुए और आधा ही काम हुआ है। और जैसे कि हम लोग ने पहले भी वीडियो बना के रखे थे तभी तो हम लोग को 4 घंटा लगता था, मैक्सिमम मिनिमम 4 घंटा तो लगता था। तो अभी 3 घंटा हुआ है और आधा काम हुआ है, देखते हैं ट्राई करके अच्छा बनाने का। हम लोग का फाइनली बना के हो चुका है। तेजस यानी बनवलंय गोरेगाव तुम्हाला कसं वाटलं आमचा तेजसनी काढलेला? सर्वात आधी ओम साईराम, तेजस साळवी याला इंस्टाग्रामच्या मित्रांनी पाहिलं होतं, त्यानंतर आम्ही त्याला फक्त मेसेज केला। मेसेज केल्यानंतर ते आणि लगेच सांगितलं हा मी येतो सेवा करण्यासाठी, उत्सुकत असतातच ते प्रत्येक वेळेला, त्यांनी मी लगेच येतो म्हणून सांगितलं। आणि आम्ही यायच्या आधीच ते इथे पोचले पण सर्वात सुरुवातीला। आणि त्यानंतर मग त्यांनी जे बनवायला घेतलं ते एकदम अप्रतिम सुंदर आणि खूप छान, त्यांनी जे बाबांचं रूप केलं ते आम्हाला सर्वांना खूप आवडलं आणि खूप छान सुंदर असं केलेलं आहे। त्याबद्दल त्यांना खूप धन्यवाद, त्यांचे आभार मनावं आम्हाला आमच्या साई मंडळासाठी ते आले साई सध्या साठी त्यासाठी, तर त्यामुळे खूप बरं वाटलं। आमच्याकडून त्यांना खूप धन्यवाद। आम्हाला किती तास लागले बनवायला? 4 तास लागले टोटल। आपले 4 तास गेले बनवायसाठी पण मजा आली आम्हाला। फोटो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पे और रात को भंडारा भी है, मतलब खाना रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भाई क्योंकि मज़ा है हम लोगों को करने के लिए और इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम। और रात को प्रोग्राम है
तो हम लोग का काम करके अभी चले जाएंगे यहाँ से, दिखते हैं वहाँ पे वो दादा क्या बोलते हैं हमको और चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? तो फाइनली पूरा प्रोग्राम हो चुका है, वो लोग ने हम लोग का सत्कार किया नारियल और फूल देके, बहुत मज़ा आई भाई, बहुत ग्रेटफुल लगा मुझे कि हम लोग ने कुछ आर्ट उनको दिखाया हमारा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट डाल देता हूँ फोटो कैसा हमारा सत्कार किया उन्होंने। तो ये छोटी सी वीडियो तुमको पसंद आएगी तो भाई शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं भाई नए वीडियो में और ऐसे कुछ ना कुछ तो आर्ट्स बनाते रहेंगे, बहुत जगह पर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे भाई साहब।